गुड मॉर्निंग ऑल ट्रेनीज, माई सेल्फ यशवंत कुमार फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज के वीडियो में हम अभिक्रमित अनुदेशन व्यूह रचना के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यह है प्रकरण विषय शिक्षण अधिगम, जिसका कोड है C3, BEd फर्स्ट ईयर सत्र 2020-22 के प्रशिक्षुओं के लिए उपयोगी होगा। इस वीडियो में हम विशेष तौर से जो शॉर्ट कट नोट लिखने के लिए आते हैं टिप्पणी में, ये है उनके लिए विशेष उपयोगी है और प्रायः टिप्पणी में अभिक्रमित अनुदेशन व्यूह रचना कई बार पूछा गया है। यह यूनिट 5 से है और इसे हम प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन व्यूह रचना शिक्षण की नीतियों यूनिट 5 के अंतर्गत, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षण व्यूह रचना के रूप में अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शंस अथवा प्रोग्रामेड लर्निंग एक प्रभावशाली ये नवाचार है और इसका प्रयोग पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित और वैयक्तिक अनुदेशनात्मक प्रणाली पर आधारित कक्षा शिक्षण में अति महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं बल्कि इसका प्रयोग स्वाध्याय सेल्फ स्टडी और पत्राकार पद्धति द्वारा भी इसका महत्व है, काफ़ी उपयोगी है। अनुदेशन और शिक्षण के क्षेत्र में अभिक्रिया अनुदेशन व्यवहार परिवर्तन के व्यवहारिक क्षेत्रों में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिपुष्टि फीडबैक या पृष्ठपोषण से संबंधित मनोवैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से विशेष तौर से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा शिक्षक व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ला करके उनमें शिक्षण कुशलता या कुशल शिक्षण में वृद्धि इन्हीं के द्वारा संभव हुई है। इसका प्रयोग बहुआयामी उपयोगों के कारण आज यह विशेष तौर से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ एवं विशेषताएं। अभिक्रमित अनुदेशन व्यवस्थित
रूप से नियोजित तार्किक रूप में प्रामाणिक और प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित वैयक्तिक शिक्षण तथा अनुदेशन की वह तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। इसके अंतर्गत सक्रिय अनुबंधन और पुनर्बलन रिफोर्समेंट संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत विषय वस्तु को, शिक्षण बिंदु को या प्रकरण को छोटे छोटे पदों या फ्रेमों में हम खंडों में विभक्त कर और फिर इन प्रत्येक विखंडित या खंडित किए गए फ्रेमों को, पदों को अभिकर्ता स्वयं अपनी गति के आधार पर सीखते हुए आगे बढ़ता है। अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अधिगम के संप्रत्यय एवं उनकी विशेषताओं को समझने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसे हम परिभाषा के रूप में उनके विचारों का अनुसरण करेंगे। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद हैं, स्मिथ एवं मूरे। स्मिथ एवं मूरे महोदय ने अभिक्रमित अनुदेशन के संदर्भ में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो इस प्रकार हैं। अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है और प्रायः इसके द्वारा किसी विद्यार्थी को उसकी परिचित पृष्ठभूमि से साथियों और बोध के अंडरस्टैंडिंग समझ के एक जटिल और नवीन स्तर पर लगाया जाता है। भावार्थ यह है, कहने का आशय, कि अभिक्रमित अन्वेषण एक ऐसी व्यवस्था है अर्थात शिक्षण के क्षेत्र में यह एक नवाचार तकनीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण अधिगम को छोटे छोटे पदों में, खंडों में, इकाइयों में, शिक्षण बिंदु को हम विभक्त करते हैं, बांट लेते हैं और प्रत्येक खंड को क्रमशः विद्यार्थी या छात्र अपनी रुचि के आधार पर जटिल और नवीन स्तर पर वो अधिगम कर सकता है। दूसरे जो मनोविद हैं वो हैं स्पीच एंड विलियम्स। इन्होंने 1967 में 1967 में इस नवाचार अभिक्रमित अनुदेशन सिस्टम को, जो शिक्षण के क्षेत्र में एक नई क्रांति के रूप में सामने उभरी है, विशेष तौर से शिक्षक और प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षण प्रक्रियाओं के संदर्भ में इसका विशेष श्रेय होता है या मिलता है। इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए ये उद्धृत किया है कि अभिक्रमित
अनुदेशन से अभिप्राय मीन्स आशय या अर्थ अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से है, अनुभव से अर्जित प्राप्त ज्ञान से उस सुव्यवस्थित श्रृंखला से है जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के संदर्भ में अर्थात जो सांकेतिक उद्दीपन स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्स अर्थात स्टिमुलस रिस्पॉन्स उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के प्रभावशाली माने जाने वाली दक्षता की ओर प्रेरित करती है अग्रसारित करती है। यह एक ऐसी तकनीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो हमारे शिक्षाविद हैं उनके विचारों का हम अनुमोदन करना चाहेंगे। अवक्रमित अनुदेशन और नेक्स्ट में है लीच महोदय ने, जिन्होंने अपना विचार 1966 में 1966 में इस नवाचार पद्धति के संदर्भ में व्यक्त किए हैं। इनका कहना है कि अब क्रम अनुदेशन सामग्री छोटे छोटे पदों अथवा फ्रेमों यूनिट्स या खंडों या इकाई की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें अधिकांशतः अनुक्रिया के लिए किसी वाक्य में निहित खाली स्थान को भरना होता है। भाव यह है कि उन इकाइयों उन श्रृंखलाओं को किसी शिक्षण बिंदु के प्रत्येक खंड को हम अनुक्रिया के लिए एक वाक्य का जो सुनिर्माण करते हैं सुव्यवस्थित करते हैं नियोजन करते हैं नियोजित करते हैं उनमें बीच में एक रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है जिसे छात्र उस रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। तत्पश्चात अपेक्षित अनुक्रियाएं ही की गई हैं। ऐसा संकेत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक अनुक्रिया की पुष्टि फीडबैक पृष्ठपोषण उपलब्ध परिणामों के तत्काल ज्ञान के आधार पर की जाती है। तात्पर्य जो अनुक्रिया करते हैं अनुक्रिया के पश्चात जो उनको पृष्ठपोषण मिलता है उस परिणाम के आधार पर जो उपलब्ध तत्काल नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है वह प्राप्ति का जो आधार होता है वह श्रृंखला वैयक्तिक स्व अनुदेशन के रूप में स्वयं छात्र अपनी गति से सीखते हुए आगे बढ़ता है और यह स्व अध्ययन के स्व सेल्फ लर्निंग के लिए एक नया आयाम है। इसलिए ये विशेष तौर से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो अंतिम मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है सुसन मार्कल। इन्होंने अपना विचार 1969 में 1969 में अवक्रमित अनुदेशन के संदर्भ में व्यक्त किया है। इनका कहना है कि अवक्रमित अनुदेशन पुनः प्रस्तुत की जाने वाली क्रियाओं की श्रृंखला को संचारित करने की एक विधि है। तात्पर्य यह है कि यह व्यवस्था यह एक ऐसी प्रणाली है इसके अंतर्गत शिक्षण बिंदु के प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाली क्रियाओं की श्रृंखला को यह सुव्यवस्थित
प्रस्तुत करने की एक विधि है जिसकी सहायता से व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी के व्यवहार में मापनीय और विश्वसनीय परिवर्तन लाया जा सकता है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों द्वारा उपर्युक्त प्रस्तुत की गई अवक्रमित अनुदेशन की विचारधारा को यदि हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद एक आदर्श निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो इनकी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण व्यूह रचना के रूप में अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन की वैयक्तिक अनुदेशन की वह नीति है, व्यूह है, व्यूह रचना है जिसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में सीखने वाले अर्थात छात्र या विद्यार्थी को प्रस्तुत किया जाता है। वह सक्रिय रहता है तथा अपनी गति से सीखते हुए आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ सीखे हुए ज्ञान का अर्जित किए हुए ज्ञान का अर्थात उपलब्ध नवीन अर्जित ज्ञान का भी वह परीक्षण भी करता है, उसकी जांच भी करता है जिससे उसने सही ज्ञान प्राप्त किया है अथवा वह सही ज्ञान का अर्जन नहीं किया है, उसे परिणाम या रिजल्ट के आधार पर फीडबैक जो मिलता है वह पुष्टि होती है। यह पुष्टि रिफोर्समेंट पुनर्बलन द्वारा प्राप्त होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर छात्रों को सीखने के लिए यह सुव्यवस्थित सुअवसर भी प्रदान करता है। इसलिए यह शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक नवाचार के रूप में विशेष भूमिका निभाता है। अब हम अध्ययन करना चाहेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के स्वरूप की विशेषताएं। अभिक्रमित अनुदेशन के स्वरूप की विशेषताएं, जैसा हम जानते हैं कि किसी भी शिक्षण बिंदु या प्रकरण टीचिंग पॉइंट की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित होती हैं। ठीक उसी प्रकार से अभिक्रमित अनुदेशन सुनियोजित शिक्षण तकनीक की भी एक विशेषता नहीं है, इसके भी अनेक विशेषताएं हैं जिसमें से पहला है अवक्रमित अनुदेशन एक ऐसी व्यूह रचना है जिसके माध्यम से पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से अनुदेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है शिक्षण की अंतःक्रिया छात्र तथा पाठ्य वस्तु के माध्यम से होती है। ये स्पष्ट है कि अंतःक्रिया तो शिक्षक और छात्र के मध्य होती है, लेकिन उस अंतःक्रिया जो आदान प्रदान है विचारों का, शिक्षण का आधार जो वो पाठ्य वस्तु ही उसका माध्यम होता है जिसके आधार पर छात्र और शिक्षक के मध्य उस विषय वस्तु को और स्पष्ट करने के लिए तथा छात्र अपने अर्जित या उपलब्ध नवीन ज्ञान को व्यवस्थित और स्थायी आत्मविश्वास के साथ में
वो ग्रहण करने के लिए भी वो अंतः क्रिया करता है, संवाद करता है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षक पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे फ्रेमों या पदों में विभक्त करके क्रमबद्ध रूप से वो प्रत्येक पद का क्रमशः छात्र के सामने वो प्रस्तुत करता है, अथवा पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में स्वयं विद्यार्थी वो खंडित कर या विखंडित कर या बांट करके क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक खंड को अपनी रुचि के आधार पर, अपनी बोध समझ के आधार पर वो प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान अथवा व्यवहार को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें उपलब्ध विषय वस्तु को, जो हमें विशेष सामग्री है और उससे संबंधित जो अर्जित पूर्व ज्ञान है अथवा स्वयं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को भी इसमें ध्यान दिया जाता है कि छात्र उस विषय वस्तु से संबंधित स्वयं को जितना अपेक्षाकृत वो परिवर्तन लाता है उसका मापन और विश्वसनीयता दोनों भी वो परिलक्षित होता है, प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट बिंदु है, अनुदेशन के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। भाव ये है कि जो इस विधि का जो उद्देश्य है वह केवल किताबी जो भाषा है वह किताबी भाषा ही नहीं अपित उस व्यवहारिकता को प्रदर्शित करना होता है कि स्वयं छात्र अर्जित किए हुए ज्ञान को अपने व्यवहार और अपने ज्ञान के आधार पर वो प्रस्तुत करता है। सिक्स पॉइंट है, विद्यार्थी पाठ्य वस्तु का स्वतः अध्ययन करते हैं, साथ साथ वह अध्ययन द्वारा अर्जित नवीन ज्ञान को अपेक्षाकृत अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करते हैं। सेवन पॉइंट है, नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा परंपरागत शिक्षण की अपेक्षा विद्यार्थी अधिक तथा सरलतापूर्वक सीखता है। भाव ये है कि पहले यह जो रीत नहीं थी, यह नीति न होने के कारण परंपरागत रूप से जो शिक्षण की प्रक्रियाएं चल रही थी वह शिक्षक प्रधान थी, लेकिन जनतांत्रिक शिक्षण के प्रकार में यह छात्र प्रधान शिक्षण प्रणाली जो छात्र अपने रुचि के आधार पर विषय वस्तु को परंपरागत शिक्षण की अपेक्षा यह नवीन वर्तमान क्लासिकल ना होकर के मॉडर्न तरीके से विद्यार्थी विषय वस्तु को सरलतापूर्वक इच्छानुसार प्रत्येक पदों को अपने क्रमशः आवश्यकता के अनुसार सरलतापूर्वक वो बोध करता है और समझता है, सीखता है, लर्न करता है। आठवां पॉइंट है, विद्यार्थी के व्यवहार का समुचित पृष्ठपोषण एवं पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। इस विधि में, इस नीति में विद्यार्थी के व्यवहार का समुचित पृष्ठपोषण एवं पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। और लास्ट में, अंतिम में है, बिना शिक्षक की उपस्थिति के भी विद्यार्थी स्वयं अपनी गति के आधार पर सुगमता से
वह शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचारित करता है, अर्थात सुगमतापूर्वक को सीख सकता है। नेक्स्ट जो बिंदु है अब हम वह है अवक्रमित अनुदेशन के मौलिक सिद्धांत। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामेंड इंस्ट्रक्शन, अवक्रमित अनुदेशन के मौलिक सिद्धांत निम्नवत हैं जिनका उल्लेख हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है लघुपद सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। जैसा कि विदित है कि कोई सीखने वाला और अच्छी तरह से सीख सकता है यदि उसके सामने सीखने वाली विषय वस्तु बहुत लंबी न हो परंतु छोटे छोटे उपयुक्त टुकड़ों में बटी हो, तो प्रत्येक टुकड़े को अपनी अधिगम पद या फ्रेम का अलग अलग नामकरण करके इन फ्रेमों को अपेक्षाकृत अनुक्रिया के लिए अधिगमकर्ता के समक्ष सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार की विधि लघु पद सिद्धांत कहलाती है। दूसरा महत्वपूर्ण सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पोंडिंग। यह सिद्धांत यह प्रदर्शित करता है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रह करके अच्छी तरह से सीख सकता है। चूँकि नाम सक्रिय अनुबंधन, एक्टिव रहना सीखने के लिए अति आवश्यक है और प्रत्येक पद या फ्रेम के लिए विद्यार्थी बाहरी अनुक्रिया ओवर रिस्पॉन्डिंग प्रस्तुत करता है बिना तत्पर रहे सही अनुक्रिया नहीं हो सकती। एतदर्थ कहा जा सकता है कि यदि हमें शिक्षण बिंदु विषय वस्तु को अलग अलग ना बल्कि एक संपूर्ण ज्ञानार्जन संपूर्ण इकाई को अर्जित करना है तो स्वाभाविक है हमें सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत का अनुपालन करना होगा। नेक्स्ट है तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता उस समय अच्छी तरह से सीख सकता है जब वह प्रस्तुत की जाने वाली अर्थात जब वह अनुक्रियाओं के परिणामों के तुरंत बाद ही अवगत हो, परिचित हो, समझ जाए। इस प्रकार तत्काल प्रतिपुष्ट फीडबैक अर्थात पृष्ठपोषण दिया जाए जो सीखने की दिशा में अभिप्रेरित करे, मोटिवेशन करे, अभिप्रेरणा मिले। अच्छे अधिक्रम में तत्काल पृष्ठपोषण करने की आवश्यकता होती है और पृष्ठपोषण सीखने में बहुत ही ये मोटिवेशन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु भी अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत का एक अभिन्न अंग है। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत में पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिमेन फोर्समेंट या री इन्फोर्समेंट।
इस सिद्धांत का मूल आधार रीइन्फोर्समेंट है। रीइन्फोर्समेंट पुनर्बलन संबंधी मनोवैज्ञानिक एक संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अधिगमकर्ता से वांछित व्यवहार अर्थात अपेक्षित वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की पुनरावृत्ति बार बार वह व्यवहार में अपनाई जाती है। विद्यार्थियों को उचित व्यवस्थित पुनर्बलन प्रदान करना आवश्यक होता है। यदि विद्यार्थियों को उचित समय पर उपयुक्त या उचित प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है, पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, फीडबैक नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक है सीखने की गति में वह तीव्रता नहीं आ सकती जो अपेक्षाकृत होनी आनी चाहिए। पांचवा है स्वागति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पैशिंग। यह सिद्धांत अधिगम की अवस्था में विशेष तौर से अधिगमकर्ता को उसकी अपनी गति के आधार पर सीखने एवं आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थियों के समक्ष अधिगम सामग्री व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके वो व्यवस्थित की जाती है और अधिगमकर्ता अपनी गति के आधार पर, क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर वो सीखने में तत्पर होता है और परिणामतः विषय वस्तु के एक पद फ्रेम से दूसरे पद तक जाने को पूर्णतः स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट अगला है छात्र परीक्षण सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। कि जो यह सिद्धांत है, अधिगमकर्ता अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है कि अधिगम प्रक्रिया का व्यवस्थित शाश्वत सतत मूल्यांकन होना चाहिए। जब निरंतर लगातार सतत मूल्यांकन होता रहता है तो विद्यार्थी विषय वस्तु के पदों के प्रति अपनी बाह्य अनुक्रिया ओवर रिस्पॉन्सिंग व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी को विभिन्न अनुक्रियाओं के आधार पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन करने की उचित प्रबंध और व्यवस्था इस अनुदेशन में की जाती है। इस प्रकार से सतत एवं उपयुक्त मूल्यांकन करने की आवश्यकता को अनुक्रमित अनुदेशन में विशेष स्थान दिया जाता है। एतदर्थ कहा जा सकता है कि अभिक्रमित अनुदेशन के ये जो विभिन्न महत्वपूर्ण छह सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब हम जानना चाहेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के गुण। तो जिस प्रकार से यह सिद्धांत विशेषताएं भी अनेक भिन्न भिन्न हम लोग अध्ययन किए, स्वाभाविक है अवक्रमित अनुदेशन के गुण भी अनेक हैं और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणों का उल्लेख हम बहुत ही शॉर्ट संक्षिप्त रूप में करना चाहेंगे। इसमें से पहला है, यह व्यूहरचना स्ट्रैटेजी मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांतों प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पर आधारित है।
दूसरा है, इस व्यूह रचना के माध्यम से कठिन और जटिल प्रत्ययों कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसान बना करके प्रस्तुत किया जाता है, सरल रूप में प्रेजेंट करते हैं। थर्ड है, इस व्यूह रचना में पाठ्यक्रम को छोटे छोटे पदों में विभक्त करके प्रस्तुत करते हैं। ये प्रस्तुतीकरण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली रहता है। और लास्ट में है, इस व्यूह रचना के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षक की अनुपस्थिति में भी अपने विषय वस्तु को सुगमता के साथ व्यवस्थित रूप से वो सीख सकता है। और नेक्स्ट जो इसी का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो पांचवा है, इस व्यूह रचना के अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट, परंपरागत शिक्षण की तुलना में अग्रमित अनुदेशन ये अधिक प्रभावपूर्ण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, अग्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित होता है, अतः यह सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान कर सकता है। 8वां है, इस व्यूह रचना में विद्यार्थी सदैव सक्रिय रहते हैं। और लास्ट में है, अनुक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थियों के लिए तार्किक पुनर्बलन की उचित व्यवस्था रहती है, जिसमें वो व्यवस्थित रूप से विद्यार्थी अपनी अपनी अनुक्रियाएं करता है। प्राप्त परिणाम के आधार पर उसे फीडबैक या पृष्ठपोषण भी प्राप्त होता है, जिससे उसको अधिकतम व्यवस्थित रूप से शिक्षण अधिगम को सरलता के साथ सीखने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इस अनुदेशन की अर्थात अवक्रमित अनुदेशन के कुछ अवगुण हैं, दोष भी हैं। यह स्वाभाविक है, जिस किसी भी वस्तु में यदि उसमें कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ अवगुण अवश्य होते हैं, भले ही उनका रेशियो या अनुपात कम या अधिक हो सकता है, लेकिन अवगुण या सीमाएं कमियां कम से कम हो तो बेहतर होता है। इस प्रकार से अब हम अवक्रमित अनुदेशन की इन सीमाओं को भी अध्ययन कर लेते हैं। तो संक्षिप्त रूप में, पहला है, यह व्यूहरचना विद्यार्थी की चयन की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती है, प्रतिबंधित करती है, अर्थात विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार वह चयन नहीं कर सकता। दूसरा, यह व्यूहरचना विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य पूर्णतः समाप्त हो जाती है, अर्थात सेल्फ स्टडी का ये जो मार्ग प्रदर्शित करता है इस पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें शिक्षक का कोई विशेष, बिना शिक्षक के भी वो शिक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के लिए उच्चारण उतना ही आवश्यक है जितना पढ़ना और बोध कौशल, लेकिन अवक्रमित अनुदेशन में ऐसा नहीं है। अनुभव प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जितना ही बेहतर भाषा का उच्चारण होगा उतना ही व्यवस्थित रूप से अपने ज्ञान को, अपने विचार को, अपने विषय वस्तु को वह व्यक्ति अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, प्रेजेंटेशन कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है। बल्कि इसमें ऐसा कुछ प्राविधान नहीं है। नेक्स्ट आप होता है, अवक्रमित अनुदेशन में ज्ञानात्मक चर कॉग्निटिव
वेरिएबल, व्यक्तित्व चर पर्सनालिटी वेरिएबल और अभिप्रेरणा चरों मोटिवेशनल वेरिएबल की अवहेलना हुई है। इनमें से तीनों ज्ञानात्मक व्यक्तित्व चर पर्सनालिटी और अभिप्रेरणा मोटिवेशन को कोई स्थान विशेष नहीं दिया गया है। इस प्रकार से यह उतना व्यवस्थित रूप से नहीं विषय वस्तु को कॉन्फिडेंस के साथ आत्मविश्वास के साथ छात्र अर्जित करने के पश्चात भी वो विश्वसनीय नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पांचवा, अवक्रमित अनुदेशन के दौरान आरंभ में ही काफ़ी त्रुटियां होती हैं और विद्यार्थी अपनी रुचि एवं अभिप्रेरणा को कम ना होने दे। इस प्रकार से पुनर्बलन पर भी वह विशेष ध्यान नहीं देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष कमियों में से है, क्योंकि हम जब तक पुनर्बलन पर अपने विचार अपनी रुचि को जागृत नहीं करेंगे, ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक हमें अच्छे ज्ञान को सीखने के लिए प्रेरणा नहीं प्राप्त हो सकती है, अर्थात हम सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम वास्तविक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी त्रुटि है। नेक्स्ट है अभिक्रिया करने पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण होता है। तात्पर्य यह है कि जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो परिणाम के आधार पर पृष्ठ पोषण द्वारा अभिक्रिया के दौरान हुई त्रुटि का सुधार उतना ही व्यवस्थित रूप से हो सकता है जितना ही व्यवस्थित रूप से मुझे फीडबैक प्राप्त होगा। परंतु इसमें इस प्रकार का प्रावधान अनुक्रिया करने के लिए अधिकारकर्ता को बाध्य नहीं किया जाता है, परिणामतः वह उतना उपयुक्त एवं सटीक ज्ञानार्जन की प्राप्ति नहीं हो सकती। नेक्स्ट सातवां बिंदु है, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग करके समस्त पाठ्यक्रम का शिक्षण करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके निर्माण तथा संचालन में काफ़ी हमें समय लगता है। खंडों को बांटने में, उनको व्यवस्थित करने में, प्रत्येक पद या फ्रेम या चर को हमें व्यवस्थित रूप से सुनियोजित करने के लिए भी समय पर्याप्त नहीं होता है, परिणामतः ये भी दोष का एक कारण है। और अंत में इस प्रकार के अधिगम अनुदेशन की प्रक्रिया में काफ़ी व्यय करना होता है, काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी खर्च भी होता है और विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पदों का प्रयोग करना पड़ता है। स्पष्ट रूप से संभावित त्रुटियों का अनुमान लगा करके केवल कल्पना मात्र ही इन विभिन्न पदों की रचना या निर्माण करना होता है। विस्तृत कार्यक्रमों को मुद्रित प्रिंटेड ब्लॉक या बुक्स करने के लिए अथवा दृश्य श्रव्य सामग्री, टीचिंग एड, टेलियम, सहायक सामग्री, फिल्म एवं टिप आदि के माध्यम से प्रस्तुत करने तथा बार बार वांछित संशोधन एवं परिवर्तन लाने में कठिनाई होती है और यह प्रक्रिया इस प्रकार से काफ़ी खर्चीली प्रतीत होती है। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण कमियों में से एक कमी है। और अब इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही अध्ययन करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही जनतांत्रिक शिक्षण प्रक्रिया जो नीति व्यूह रचना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण
में टॉपिक होगा वह है प्रोजेक्ट पद्धत, प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है, व्यूह रचना है, शिक्षण की नीतियां हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करना चाहेंगे। तब तक के लिए आज के ही इस वीडियो में बस इतना ही। हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद।